उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सभी लोगों को दिन प्रतिदिन बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संकल्प को पूरा करने के साथ ही हर जिले में CCU ब्लॉक भी बनवाया जा रहा है। यहाँ ICU की सुविधा रहेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सक को धन्यवाद देता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वास्तव में आप सब ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किए, उल्लेखनीय काम किए। अमर उजाला ने आपको सम्मानित करने का निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाइयां देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि 2017 से पहले और आज की तुलना में MBBS की सीटें की अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग 3 गुनी सीटें हो चुकी हैं। पर स्नातक MBMS की सीटें भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की हेल्थ सिस्टम प्रदान करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 5 लाख % निःशुल्क इलाज की गारंटी वंचितों को, जरूरतमंदों को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना ने किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और उत्तर प्रदेश